बच्चों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस दिन भाषण दिया, विज्ञान के पास कोई रास्ता नहीं है कि समुद्र में जहाज चले, नेविगेशन हम पहुंच ही नहीं सकते, उसके पहले हमारी इंडियन शिप्स लॉगरिथम के आधार पर हमारे देश में ऐसे यंत्र बने थे, इक्विपमेंट बने थे कि हमारे जहाज जाते थे दुनिया के सुदूर दक्षिण अफ्रीका के, सोक्रोता एक जगह है, वहां भी जाएंगे आप तो पर्सियन में, संस्कृत में, उर्दू में, हिंदी में लिखे हुए स्क्रिप्चर्स मिल जाएंगे। उस जमाने में जाते थे जब दुनिया को इसका अंदाजा नहीं था। खासतौर से जो हमारी यंग जनरेशन है, जब मैं पढ़ता था और आज के बच्चों में मैं बहुत अंतर देखता हूँ। जब मैं अलजेब्रा पढ़ रहा था स्कूल में तो मेरे एक टीचर ने मुझे बताया कि ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया, मैंने याद कर लिया और जीवन भर याद रहा। लेकिन न मेरे टीचर ने बताया कि ये होता क्यों है, न मैंने जानने की कोशिश की। मोहब्बत या रब और आपके स्कूल के लोगों में हाथ में मसाल है, रोज बच्चों की दुआओं का अर्थ मैं मानता हूं उनके भीतर क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर और क्रिएटिविटी की मसाल बने, ऐसी मेरी दुआ है इस पर से। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप सब जिसमें ऐसा करने वाले हैं। आप इस बात को बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, जब तक किसी चीज में आप फेल नहीं होंगे, जब तक आप किसी चीज पर संदेह नहीं पैदा करेंगे, जब तक आप कोई गलती नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी ओरिजिनल आप नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं जिक्र कर रहा था एनईपी के बारे में, दशकों बाद मैं कहूँ कि देश को लंबे समय से इंतजार था, ये एजुकेशन सिस्टम को रीडिफाइन करने का, उसे ट्रांसफॉर्म करने का मैं मानता हूं कि एक अभूतपूर्व और साहसिक प्रयास है। एक बड़ा अवसर दिया है, ट्रेडिशनल वैल्यूज, कल्चर, मदर लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल स्किल सेट और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इन सब चीज़ों को तरजीह दी गई है। और वहीं क्लासरूम में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट को प्रमोट करने पर बल दिया गया है। अब ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, कैंपस को हम क्यूरियोसिटी का कैंपस बना सकें, किताबों को याद करने या रटने के बजाय क्रिएटिविटी पर फोकस करें, सक्सेसफुल बच्चों को नहीं बल्कि बच्चों के इनोवेशन को अवार्ड देने के सिस्टम बनाएं, इंडिपेंडेंट रिसर्च, इंडिपेंडेंट आइडियाज के ग्रोथ का माध्यम बच्चों को बनना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में हम जरूर आगे बढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा घर साहब ने की है, 5 साल में हमने फिर कल्पना नहीं की थी आने वाले भविष्य में ऐसे घर होंगे, ऐसे स्कूल होंगे जिन्हें हम एआई होम्स या स्कूल्स कहेंगे। लेकिन हमारी चुनौती केवल यहाँ पढ़ने वाले बच्चे नहीं, हमारी चुनौती वो बच्चे भी हैं जो अभी स्कूल भी नहीं देखते। कोशिश जरूर हम करेंगे और एजुकेशन निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि किसी भी देश के विकास में सबसे अहम रोल शिक्षा का ही होगा, इस बात को हम लोग जानते हैं और इसके प्रयत्न किए जाएंगे। हायर एजुकेशन काउंसिल जो यहाँ बनी है, मैं कह सकता हूँ कि देश की सबसे बेहतरीन काउंसिल बनाने का गौरव हम सबको हासिल है।